हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड फॉर्म। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करने वाले हैं लिनक्स और विंडोज़ के बारे में, डिफरेंस क्या होता है। जो लिनक्स होता है वो एसक्यूएल के द्वारा दिया होता है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, और विंडोज़ जो है एमएस एक्सेस और एसक्यूएल डाटाबेसेस के तौर पर दिया होता है। और लिनक्स में हमारी CGI वर्क करती है और विंडोज़ में ESP। अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो लिनक्स में ओपन सोर्स होता है, लिनक्स का जो है बिल्कुल फ्री होता है और इसका सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लिनक्स CD डिस्ट्रीब्यूशन को लाइव देखता है, साथ साथ जो है ये लिनक्स सिक्योर होता है और इसमें वायरस और मैलवेयर नहीं फैल सकता। इसमें लो हार्डवेयर कॉस्ट होते हैं, यानी कि ज़्यादा हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कस्टमाइजेबल ऐड फीचर्स होते हैं इसमें, जबकि विंडोज़ में क्लोज्ड सोर्स होता है। कॉस्ट पड़ती है $150 से लेकर $320 तक, और ये कॉस्ट सॉफ्टवेयर की कॉस्ट होती है और इसमें जो है CD डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। और ये विंडोज़ सिक्योर इसलिए होता है क्योंकि इसमें एंटीवायरस की भी ज़रूरत पड़ती है और वायरस जो है इस सॉफ्टवेयर में आसानी से आ सकता है, वायरस और मैलवेयर हो सकता है। और इसमें हाई हार्डवेयर कॉस्ट पड़ती है क्योंकि जो इसके हार्डवेयर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं और कस्टमाइजेबल नहीं होता। लिनक्स वर्सेस विंडोज़। लिनक्स जो है कर्नल को रिलीज़ करता है, रिलीज़ हुआ था 17 सितंबर 1991 को, जबकि विंडोज़ पहली बार रिलीज़ हुआ था 1985 को, यानी कि विंडोज़ पहले रिलीज़ हुआ था और लिनक्स बाद में। लिनक्स को डेवलप किया था लिनस टोरवाल्ड्स ने और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसका जो पहला वर्जन था 0.01 था, और विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ 1.0। लिनक्स से कंबाइंड होता है GNU के साथ, GNU सिस्टम के साथ, जो कि फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर प्रोसीजर कंप्लीट होता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ओपन सोर्स फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉपर्टी है। विंडोज़ और लिनक्स, विंडोज़ ओपन सोर्स नहीं होता है, ये पेड में होता है, जबकि लिनक्स ओपन सोर्स होता है, इसको फ्री डाउनलोड किया जा सकता है, इसके फीचर्स को फ्री में यूज़ किया जा सकता है। विंडोज़ में लेस सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं लिनक्स के कंपैरिजन में, और लिनक्स में हाई सिक्योरिटी होती है। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी हमें पे करना पड़ता है, यहाँ पे फ्री ऑफिस होता है लाइब्रेरी के नाम से, जहाँ पे एक्सेल, पावरपॉइंट और अदर सॉफ्टवेयर भी होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होता है एक या दो साल में, प्रत्येक एक या दो साल में अपडेट होता है, और लिनक्स का जो अपडेट्स आते हैं कर्नल में वो हर 6 महीनों में आते हैं। विंडोज़ यूज़र फ्रेंडली होता है और लिनक्स जो होता है यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है। विंडोज़ में बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं, जबकि लिनक्स में कुछ फ्यू ही फीचर्स अवेलेबल होते हैं। ये मैंने बताया कि आपको विंडोज़ वर्सेस लिनक्स के बारे में।